वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम इरिवर्सिबिलिटी और गॉस रूलर थ्योरम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इरिवर्सिबिलिटी समझते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कार्नोट हीट इंजन पढ़ा था, जिसके अंदर सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और एक होता है एक्चुअल हीट इंजन, जिसके अंदर सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सपोज इसमें से जो वर्क मिल रहा है दिस इज डब्ल्यू एक्चुअल, ठीक है। इसमें से जो वर्क मिल रहा है दिस इज डब्ल्यू आर ई वी, रिवर्सिबल वर्क। इन दोनों वर्क को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता है जो कार्नोट हीट इंजन का जो वर्क है वो मैक्सिमम आएगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल वर्क, क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोसेस कैसे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस जब भी होता है तो उसके अंदर जो वर्क मिलता है वो मैक्सिमम वर्क होता है एज कम्पेयर टू एक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। तो एक तरीके से जो कार्नोट हीट इंजन है ये आइडियल हीट इंजन है। इसको हमने इसलिए बनाया ताकि हम एक्चुअल हीट इंजन को आइडियल हीट इंजन से कंपेयर कर सके और एक्चुअल हीट इंजन को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, कोई भी हीट इंजन उसके अंदर कितना इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट है वो निकालने का एक्सप्रेशन ये होता है, डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू एक्चुअल, ठीक है। डब्ल्यू मैक्स का मतलब है दिस इज आइडियल वर्क, आइडियल वर्क का मतलब है सारे प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं, या फिर इसको कार्नोट वर्क भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है किसका, इरिवर्सिबिलिटी का। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हमें इरिवर्सिबिलिटी निकालना है तो उसको मैक्सिमम वर्क से कंपेयर कर दो, ठीक है, तो वो आ जाता है इरिवर्सिबिलिटी। तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वर्क एंड एक्चुअल वर्क इज कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है एक तरीके से लॉसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा उसके अंदर, तो फ्रिक्शन क्या है, एक तरीके से लॉसेस है, ठीक है। तो जो वर्क है एक्चुअल वर्क है वो इसलिए कम आ रहा है एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल वर्क, तो जो इरिवर्सिबिलिटी है वो एक तरीके से लॉसेस है, इसलिए हम इसको डिग्रेडेशन और डिसिपेशन भी कहते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए है, फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ऐसे ही इसका एक्सप्रेशन उल्टा हो जाएगा फॉर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए, फॉर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्चुअल माइनस डब्ल्यू आइडियल, ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हो डब्ल्यू एक्चुअल माइनस डब्ल्यू मैक्स। इसको समझो कैसे होगा, ये सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसपे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखो फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क मिलता है उसको हम मैक्सिमम वर्क कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है, यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इसमें से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे इस सिस्टम के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ये जो फोर्स है, सपोज दिस इज एफ1 एंड एफ2, सो यहां पे एफ2 इज ग्रेटर देन एफ1, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इसलिए हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा सिस्टम पे। तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस में इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू आइडियल, सो डब्ल्यू एक्चुअल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू मैक्सिमम, क्योंकि जो वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में फोर्स ज्यादा लग रहा है तो उसका मतलब वर्क ज्यादा लगेगा, तो एक्चुअल वर्क ग्रेटर देन होता है एज कम्पेयर टू मैक्सिमम वर्क। तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के केस में ये फॉर्मुला होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के केस में ये एक्सप्रेशन होता है, आइडियल माइनस एक्चुअल, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना इसमें। चलिए अब एक्सप्रेशन देखते हैं, यहाँ पे यहीं पे हम गॉस-स्टुडला थ्योरम भी डिराइव कर देंगे। सो एक सिस्टम है, ठीक है, इसका स्टेट है इनिशियल स्टेट 1 है और फाइनल स्टेट है 2, ठीक है, और ये जो सराउंडिंग है इसका टेम्परेचर है टी नॉट, दिस इज सराउंडिंग। इस सराउंडिंग से हीट इस सिस्टम के अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हीट ऐड हुआ तो ये सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा। तो सिस्टम से वर्क मिल रहा है तो इसका मतलब दिस इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में इरिवर्सिबिलिटी का एक्सप्रेशन होता है मैक्सिमम वर्क माइनस एक्चुअल वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे अब सपोज ये क्लोज सिस्टम है, दिस इज क्लोज सिस्टम, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है एक्सप्रेशन। सिस्टम स्टेट चेंज करा है, सो यू टू माइनस यू वन प्लस दिस इज मैक्सिमम वर्क। सपोज इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क मिलेगा, दिस इज Q, ठीक है। Q कहाँ से ऐड हो रहा है, सराउंडिंग से, सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो रहा है, ठीक है, और सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। और रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ये होता है Q डिवाइड बाई टी, और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो दिस इज डेल्टा एस एंड दिस इज टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो जो क्यू है वो सराउंडिंग से ऐड हो रहा है सिस्टम के, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, टी नॉट है, सराउंडिंग हमेशा डेड स्टेट पे होता है, सो दिस इज टी नॉट, ठीक है। डेल्टा एस का मतलब है एस टू माइनस एस वन, ये सिस्टम का एंट्रोपी है,
ठीक है, दिस इज डेल्टा एस सिस्टम और ये टेम्परेचर किसका है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। सो सिस्टम का स्टेट क्या, फाइनल स्टेट 2 है, इनिशियल स्टेट 1 है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो क्यू की जगह आ जाएगा टी नॉट, दिस इज एस टू माइनस एस वन, यू वन को इधर ले जाते हैं, दिस इज यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम वर्क आ गया अगर सिस्टम के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो, ठीक है। अब एक्चुअल वर्क निकालते हैं, देखो यहीं से आ जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W एक्चुअल, ठीक है। W एक्चुअल इज इक्वल टू, अब इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को ऐसे लिखेंगे U2 माइनस U1 प्लस W एक्चुअल, ठीक है। सो यहाँ पे W ये वाला एक्सप्रेशन इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा U1 प्लस U2, दिस इज माइनस ये जगह प्लस दिस इज Q, ये जो Q है ये सिस्टम का है, सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो रहा है, सो दिस इज Q सिस्टम, ठीक है। देखो है क्या मतलब, यही सिस्टम है इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअल वर्क है तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए जो वर्क मिल रहा है दिस इज वर्क, एक्चुअल वर्क है, ठीक है। सिस्टम का स्टेट वही है, स्टेट वन से स्टेट टू है, ठीक है। क्यू सिस्टम है, सब कुछ सेम है, बस प्रोसेस क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। जैसे पीवी डायग्राम पे इसको ऐसे समझो, ये स्टेट वन है, ये स्टेट टू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ज्वाइंट लाइन है, ज्वाइंट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन इसी में देखो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस देखो, ठीक है। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, डॉटेड लाइन से प्लॉट कर दिया इसको, तो यहाँ पे देखो जो एंट्रोपी है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। तो एंट्रोपी तो सेम होगा, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे फिर इरिवर्सिबल हो, एंट्रोपी सेम होगा क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया एक्चुअल वर्क का, वैल्यूज पुट करते हैं, सो दिस इज मैक्स माइनस डब्ल्यू मैक्स, इसका एक्सप्रेशन है टी नॉट, ठीक है। तो यहां से देखो U1 माइनस U2 ये कैंसिल आउट हो गया, एक्सप्रेशन आ जाएगा T0 S2 माइनस S1 है, तो इसको ऐसे लिख दो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, माइनस माइनस Q सिस्टम, ठीक है। ये आ गया इरिवर्सिबिलिटी। अब यहां पे देखो Q सिस्टम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हीट है सराउंडिंग से जा रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो रहा है, याद करो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस होता है। तो हीट गेन कौन कर रहा है, सिस्टम हीट गेन कर रहा है, और जो हीट लॉस है वो कौन कर रहा है, वो सराउंडिंग कर रहा है, सराउंडिंग से हीट लॉस हो रहा है, सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्यू सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस क्यू सराउंडिंग, माइनस क्यू सराउंडिंग इसलिए लिखा क्योंकि जब भी हीट रिजेक्ट होता है, सराउंडिंग से हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो हीट रिजेक्ट का मतलब है नेगेटिव साइन से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सराउंडिंग से हीट रिजेक्ट हो रहा है इसलिए हमने माइनस क्यू लिखा है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। तो क्यू सिस्टम की जगह हम लिख सकते हैं माइनस क्यू सराउंडिंग, सो दिस इज टी नॉट डेल्टा एस सिस्टम, दिस इज माइनस क्यू सराउंडिंग, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टी नॉट एंड दिस इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस क्यू सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर देखो, सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नॉट, तो डेल्टा एस सराउंडिंग, एंट्रोपी फॉर सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय टी नॉट, और ये किसका है, सराउंडिंग का हीट लॉस है, ठीक है। सो क्यू सराउंडिंग का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, इसलिए हमने ये लिखा है, जब भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो ये एंट्रोपी का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो सराउंडिंग के केस में ये हो जाएगा, तो क्यू सराउंडिंग किसके इक्वल आ गया, क्यू सराउंडिंग ये हो जाएगा टी नॉट, दिस इज डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे टी नॉट इस तरफ चला गया, सो देखो इरिवर्सिबिलिटी का एक्सप्रेशन आ गया टी नॉट एंड दिस इज डेल्टा एस यूनिवर्स, ये एक्सप्रेशन हमारा इरिवर्सिबिलिटी का, जो डेल्टा एस यूनिवर्स है इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है। टी नॉट कॉमन आ गया और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हमने डेल्टा एस यूनिवर्स लिख दिया। सो यहाँ से इरिवर्सिबिलिटी का एक्सप्रेशन आ गया टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स। इस एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होता है यूनिवर्स का, ठीक है। यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है,
रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। तो मतलब क्या है इसका, जो डेल्टा एस यूनिवर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। एंट्रोपी प्रिंसिपल याद करो, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जीरो होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो पॉजिटिव होगा। तो यहां से समझ में आ जाएगा जो इरिवर्सिबिलिटी है, इरिवर्सिबिलिटी है वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबिलिटी हो गया जीरो के इक्वल। ठीक है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबिलिटी हो गया ग्रेटर देन जीरो। सो यहां से हमें समझ में आता है जो इरिवर्सिबिलिटी है कैन नेवर बी डिक्रीज। ठीक है, इस आपको याद रखना है। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी कैन नेवर बी डिक्रीज, ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये मैंने लेक्चर नंबर 73 में भी डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने लॉस इन अवेलेबल एनर्जी, तो लॉस इन अवेलेबल एनर्जी भी टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स के इक्वल होता है। क्योंकि देखो अवेलेबल एनर्जी में लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो इरिवर्सिबल का मतलब है इरिवर्सिबिलिटी उसके अंदर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करता है, तो इरिवर्सिबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। डेल्टा एस यूनिवर्स इंक्रीज कर रहा है तो इरिवर्सिबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो इरिवर्सिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो अवेलेबल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जो इरिवर्सिबिलिटी है उसी को हम कहते हैं डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, जो कि इक्वल आता है टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स के। ठीक है, तभी मैंने ये जो एक्सप्रेशन आई ये लेक्चर नंबर 73 में भी सेम एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया था, बट इस बार क्या है, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी को क्या बोला गया है, इरिवर्सिबिलिटी बोला गया है। तो बात एक ही है। अब इरिवर्सिबिलिटी को ही मैं बोलूं अगर एक्सर्जी कह सकते हैं तो हाँ कह सकते हैं। कैसे, देखो इसको समझते हैं। अभी जो हमने एक्सप्रेशन किया उसके अंदर देखो सिस्टम का स्टेट अप इनिशियल स्टेट वन है और सेकंड हमारा फाइनल स्टेट है। अगर ये फाइनल स्टेट डेड स्टेट होता, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है दिस इज डेड स्टेट और एक पर्टिकुलर स्टेट है। ठीक है, अब सपोज एक ये जो स्टेट है इसको वन मान लेते हैं और डेड स्टेट को टू मान लेते हैं। अब इस स्टेट में, डेड स्टेट पे हमें पता है एक्सर्जी जीरो होता है। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी जीरो था डेड स्टेट पे, बट इस स्टेट पे तो अवेलेबल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, कितना होगा, तो अगर हमें वो कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्टेट से डेड स्टेट तक जितना वर्क प्रोड्यूस होगा वही हमारा क्या है, अवेलेबल एनर्जी है। तो अगर मैं सिस्टम को डेड स्टेट मान लूं, सेकंड सिस्टम को डेड स्टेट मान लूं, तो इसका मतलब क्या है, जो इरिवर्सिबिलिटी है यही क्या बन जाएगा, एक्सर्जी बन जाएगा। तो एक्सर्जी का भी जो अवेलेबल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन भी यही है। ठीक है, तो आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है, जो अवेलेबल एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, इट ऑलवेज डिक्रीज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो गॉय-स्टुडला थ्योरम क्या कहता है, इट स्टेट दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ एक्सर्जी इन अ प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। जिस रेट से अवेलेबल एनर्जी लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंट्रोपी जनरेशन के। ठीक है, जो यूनिवर्स है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, और एंट्रोपी जनरेशन पॉजिटिव होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो एंट्रोपी जनरेशन जीरो होगा। तो जितना लॉस है वो लॉस इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, वो एंट्रोपी जनरेशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन बढ़ता रहता है, जितना ज्यादा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसमें एंट्रोपी जनरेशन इंक्रीज होता रहेगा, तो जो अवेलेबल एनर्जी का लॉस है वो भी इंक्रीज होगा। यही हमारा गॉय-स्टुडला थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इरिवर्सिबिलिटी है वही हमारा क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ एक्सर्जी है। सो दिस इज आई डॉट, यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज टी नॉट टेम्परेचर, और जो यूनिवर्स एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन है, सो दिस इज डॉट। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सर्जी प्रिंसिपल। द एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी इंक्रीज बट ऑलवेज डिक्रीज। अभी हमने पढ़ा जो इरिवर्सिबिलिटी है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। तो इरिवर्सिबिलिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, लॉसेस
क्या हो रहा है, लॉसेस भी पॉजिटिव है, मतलब लॉसेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो अवेलेबल एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही हमारा क्या है, एक्सर्जी प्रिंसिपल है। याद रख लो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में अवेलेबल एनर्जी हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल अपोजिट है, जैसे हमने पढ़ा था एंट्रोपी प्रिंसिपल में, एंट्रोपी प्रिंसिपल में पढ़ा था एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है, एंट्रोपी जनरेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखो गॉस रूल थ्योरम में देखो एंट्रोपी जनरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ लॉसेस ऑफ अवेलेबल एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, तो अवेलेबल एनर्जी का जो लॉस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अवेलेबल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है। अवेलेबल एनर्जी मतलब एक्सर्जी, एक्सर्जी ऑलवेज डिक्रीज, यही है हमारा एक्सर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म हुआ, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन, अवेलेबिलिटी इज जनरली कंजर्व, तो नहीं, अभी हमने पढ़ा अवेलेबिलिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी हमेशा डिक्रीज करता है, तो ये कंजर्व कैसे रहेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अवेलेबिलिटी कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव, देखो अवेलेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आई इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अवेलेबिलिटी इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क ऑब्टेनेबल, किसी भी सिस्टम के अंदर जितना मैक्सिमम वर्क हम उससे ले सकते हैं वही हमारा क्या होता है, अवेलेबिलिटी होता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अवेलेबिलिटी कैन बी डिस्ट्रॉय इन इरिवर्सिबिलिटी, जितना ज्यादा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा अवेलेबिलिटी उतना ही खत्म होता जाएगा, अवेलेबल एनर्जी हमारा खत्म होता जाएगा, ठीक है। अगर हमें अवेलेबल एनर्जी को इंक्रीज करना है तो प्रोसेस को हमें रिवर्सिबल बनाना पड़ेगा, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन सही है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो थ्री एंड फोर आर करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, इरिवर्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम यूजफुल वर्क एंड एक्चुअल यूजफुल वर्क। इरिवर्सिबिलिटी होता है टी नॉट टेम्परेचर एंड दिस इज डेल्टा एस यूनिवर्स। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। तो खुद ही बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हीट इज लॉस्ट थ्रू अ प्लेन वॉल स्टेडीली एट अ रेट ऑफ 800 वॉट इफ द इनर एंड आउटर सर्फेस टेम्परेचर ऑफ द वॉल आर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 5 डिग्री सेल्सियस। हीट दे रखा है 800 वॉट, स्टेडी फ्लो है तो हीट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। एनवायरमेंट टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन में चेंज कर लेते हैं, दिस इज 273 केल्विन, दिस इज 278 केल्विन एंड दिस इज 293 केल्विन, ठीक है। रेट ऑफ एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन विद इन द वॉल, इस वॉल के अंदर देखो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसका जो इस वॉल के अंदर जो अवेलेबल एनर्जी है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अवेलेबल एनर्जी डिक्रीज होगा, तो किस रेट से अवेलेबल एनर्जी डिक्रीज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले देखो जो लॉस है, लॉस इन अवेलेबल एनर्जी, इसका एक्सप्रेशन होता है टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स, एम्बिशन टेम्परेचर 273 केल्विन एंड डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है, 273 डेल्टा एस यूनिवर्स को हम लिख सकते हैं एंट्रोपी जनरेशन, और एंट्रोपी जनरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। देखो एंट्रोपी जनरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सराउंडिंग को देखो, सराउंडिंग में से 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, हीट कहाँ पे हो रहा है, हीट इस सिस्टम के अंदर जा रहा है, तो सराउंडिंग से हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है तो मतलब माइनस साइन आएगा, माइनस 800, टेम्परेचर कितना है 293 है। अब देखो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग को सिस्टम मान लो, ठीक है, सिस्टम में जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा, और सिस्टम से अगर हीट रिजेक्ट हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा, तो सराउंडिंग के अंदर 800 वॉट ट्रांसफर हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 273 केल्विन टेम्परेचर पे, सो यही हमारा क्या है, एंट्रोपी जनरेशन है, दिस इज 273 एंड दिस इज माइनस 800, 293 प्लस 800 एंड दिस इज 273, तो यही हमारा क्या आ गया, लॉस इन अवेलेबल एनर्जी है, तो इतना एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, 40 वॉट, वॉट का मतलब है किलो जूल पर सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सर्जी ऑफ ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो गॉस-रूल थ्योरम है इसका एप्लीकेशन है वो भी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।